that is breathing and exchange of gases. Fine. So मेरे पास नोट्स है आपके सीनियर्स का, उसी से मैं डील कर रहा हूँ. नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोग को. फाइन, ध्यान से सुनेंगे, जो नहीं समझ में आना है और रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे. अभी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो. फाइन. सो एनिमल फिजियोलॉजी, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये दूसरा चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फाइन. इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग कैसे प्योर एयर को अपने शरीर के अंदर इनटेक करते हैं, कैसे वो प्योर एयर हर सेल तक पहुंचता है, और कैसे इम्प्योर एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड में आता है और ब्लड से लंग्स में जाता है और लंग्स से. फेट ऑफ अमोनिया नहीं पढ़ेंगे? हाँ, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया हम लोग करेंगे किडनी वाले चैप्टर में. फाइन. एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, अमोनिया वाला. प्रीवियस चैप्टर का जो फेट ऑफ अमोनिया जो था. अच्छा, ओ सॉरी वो बाकी है ना अभी. यस सर. ठीक है, चलिए उसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद तो फेट ऑफ अमोनिया बाकी था. चलिए. यस सर. ओके फाइन. थैंक यू वेरी मच. हमें लगा था कि हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है. चलिए कोई बात नहीं. हाँ यार, फेथ ऑफ अमोनिया हम लोग को पढ़ना है. ओके. फेथ ऑफ अमोनिया कहने का मतलब, जो इतना मेहनत से हम अमोनिया बनाए हैं पौधे के अंदर और सोइल के अंदर है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, उसी चीज को हमें स्टडी करना है यहाँ पे. फाइन. चलिए स्टडी करते हैं. सो 11, 12, 4. Fate of ammonia. Fine. कहने का मतलब, the ammonia which is produced or reached or synthesized freshly in the plant, and the plant has what kind of role? है ना, किस प्रकार का रोल है? तो इसका आंसर है ये कि it participating in amino acid formation, synthesis. Fine. अमीनो एसिड की सिंथेसिस होनी है इसी से. Fine. कैसे होता है, हाउ, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सी, प्लांट के अंदर होता है अमोनिया, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में, तुरंत. ठीक है. It is easily protonated to NH4 positive ammonium ion. Fine. And this ammonia is toxic to plant, है ना. फाइन. सो ये अमोनिया टॉक्सिक है, तो इस अमोनिया को तुरंत ही किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज करना जरूरी हो जाता है. सो प्लांट नीड टू चेंज दिस अमोनिया इनटू अमोनियम आयन ammonium ion into amino acid or amide. ठीक है, एमाइड क्या होता है? एमाइड मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड है जिसका OH ग्रुप को हटा के यदि अमोनिया लगा देंगे तो हो जाता है एमाइड। ठीक ना, एनी कार्बोक्सिल ग्रुप OH इज रिप्लेस्ड बाय, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेंगे, रिप्लेस्ड बाय NH3, है ना, उसको हम लोग कहेंगे अमाइड। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। अमाइनो एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम NH4 पॉजिटिव। फाइन, तो देखते हैं अमोनिया बनने का दो तरीका है। ठीक है, रिएक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। It can be produced by reductive amination, या फिर ट्रांसएमिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन कैसे होता है, रिडक्टिव एमिनेशन, और इस मेथड से कैसे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, व्हिच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, कीटो एसिड जो होते हैं, है ना, वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम आयन के साथ और बनाते हैं अमीनो एसिड। हियर इन दिस केस कीटो एसिड, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो गया, फाइन। कीटो एसिड रिएक्ट विद, एक कीटो एसिड को लेके मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अमोनियम आयन टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। ठीक है, टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। फाइन, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर भी इस्तेमाल होता है, NADH2 का इस्तेमाल होना होता है। ठीक है, या फिर NADPH2 का इस्तेमाल होना है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज डिहाइड्रोजनेस। सो रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे कौन सा कीटो एसिड यूज होता है और कौन सा अमीनो एसिड होता है बनता है, वहां से क्वेश्चन आना है। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल, है ना, एक एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हियर आई एम मेकिंग अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना, ये एसिड है, अमीनो एसिड नहीं है, फाइन। दिस इज 5 कीटो एसिड, 5 कार्बन का कीटो एसिड है। यदि हम बनाना चाहें डायग्राम में इसका तो बना सकते हैं। ठीक है, चिंता मत करें, ये डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं पूछेगा, है ना, ये केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी नहीं पूछना है। दिस इज कीटो एसिड, फाइन। इस कीटो एसिड को हम रिएक्ट करने वाले हैं किससे? कीटो एसिड, इस कीटो एसिड का रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं NH4 पॉजिटिव अमोनिया से, फाइन। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। सॉरी ओके हम जानते हैं अमीनो एसिड के केस में एक NH3 ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप होता है ना। मिनिमम ये होना ही है, कम से कम एक अमोनियम ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना ही होना है। किसी में 2-3 हो सकता है, ये भी किसी में 2-3 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1-1 तो होना जरूरी है ना। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होना है वो रिएक्शन होगा यहाँ पे, फाइन, यहाँ पे रिएक्शन होना है। एक रिएक्शन करवाइए और हमें डायग्राम बना के दिखाइए, कम ऑन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होना है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। है ना, ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ से एलिमिनेट होना है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से घटेगा वाटर मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का डायग्राम थोड़ा बना के दिखाएंगे यहाँ पे। बस इसी डायग्राम को कॉपी करें, है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के अंदर कुछ चेंजेस करिए आप लोग और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए जल्दी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया, ग्रुप पे भेजेंगे जल्दी से। हेलो, मैं बनाता हूँ, आप लोग वेरीफाई करेंगे सही है कि नहीं है। ज्योत्सना बना सर, C डबल बॉन्ड की जगह पे CNH2 आया। ये बना हाइड्रोजन 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 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और H कर देंगे, यही बनेगा ना, यही बनना है ना। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, H2O निकालना है ना। तो ऑक्सीजन ये निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो एक ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, NH2 3 हो गया। फाइन। और यहाँ पे क्या चाहिए था, इन द प्रेजेंस ऑफ NADH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस NADH, इसके प्रेजेंस में भी हो रहा है रिएक्शन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी आ जाएगा, फाइन, यहाँ से आएगा या फिर NADH2, फाइन, यहाँ से हो गया। तो ये बना अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड बना, फाइन। यदि इसमें हम और फर्दर एक अमोनिया ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, एक और अमोनियम ग्रुप का एडिशन हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ अमाइड, इट इज पॉसिबल, है ना। लेकिन इस चीज को अचीव करने के लिए वी नीड ATP, ऐसे नहीं होगा, एनर्जी खर्च करके करना होगा, फाइन। मैंने बताया था ग्लूटामिक एसिड अमाइड भी बन सकता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, या अमाइड बनेगा। अमाइड कहने का मतलब यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को, ग्रुप का OH को हटा के रिप्लेस कर देंगे किससे, कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा के अमीनो एसिड के अंदर उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग NH3 से, तो वो बन जाएगा अमाइड। अमाइड का फॉर्मेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को कैरी कर सके। फाइन। सो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली हम इस रिप्लेस कर देंगे इसको, है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो हमने क्या किया, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए यहाँ पे NH2 से। फाइन, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे। है ना, तो ये बन गया अमाइड और इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामाइड। ये हो जाएगा अमाइड। इसको प्रोनाउंस करेंगे ग्लूटामाइड। फाइन। फाइन, चलिए एक और हम एग्जाम्पल दूसरा दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल 2। ओके, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर 4 कार्बन कीटो एसिड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रिएक्शन ऑफ NH4 पॉजिटिव विथ 4 कार्बन कीटो एसिड, that is oxaloacetic acid, oxaloacetic acid। फाइन, तो यहाँ पे मैं oxaloacetic acid बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा अमीनो एसिड बनाएंगे इसका इस्तेमाल करके। COOH, CH2, कीटो ग्रुप है ये भी, देखेंगे यहाँ पे CO है ना, कीटोन ग्रुप। फाइन, कम ऑन, NADH2 फाइन प्लस अमोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पार्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फाइन, बना के दिखाएंगे, आप लोग भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे, COOH, CH2, CH, NH2, COOH। ये बन गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा स्पार्टिक एसिड। स्पार्टिक एसिड, यदि आप देखना चाहते हैं स्पार्टिक एसिड का डायग्राम तो आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है। फाइन, रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। फाइन, यहाँ पे कीटो एसिड में अमोनिया को जोड़ा जा रहा है। फाइन, यहाँ पे कैन ऑल्सो फॉर्म अमाइड, ये अमाइड भी बना सकता है। फाइन, सो तुरंत बनने वाला अमीनो एसिड है स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फाइन, अब ये स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का इस्तेमाल करके हम लोग कोई दूसरा अमीनो एसिड भी बना सकते हैं, जैसे कि वो स्टडी करेंगे हम लोग ट्रांसएमिनेशन के केस में। फाइन, यहाँ पे अमीनो एसिड तो हम बना दिए, बट व्हाई द प्लांट्स आर क्रिएटिंग एमाइड, द क्वेश्चन अराइजेस। ठीक ना, सेल इज सिंथेसाइजिंग अमीनो एसिड, but why it is synthesizing amide? रीजन क्या है? द आंसर लाइज कि अमाइड के पास ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है. अमाइड हैज मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, है ना, तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंसी बढ़ जाता है यदि अमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन को ढोया जाएगा. आंसर, इसका आंसर यही है, अमाइड हैज मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड. By doing so, the transportation efficiency increases. है ना, कैसे? अमाइड का NC रेशियो हाई होता है. अमाइड हैज, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अमाइड हैज हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो. फाइन, नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अमाइड के केस में ऑन कंपैरिजन टू द अमीनो एसिड. फाइन, सच एज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना, अमीनो एसिड has NG ratio of 1/5, while amide has NC ratio of 2/5. कैसे 2/5 1/5? यहीं से देख सकते हैं आप लोग. देखिए ये रहा अमाइनो एसिड, और ये रहा अमाइड, है ना, तो देखेंगे यहाँ पे, गौर करेंगे, इट हैज 1/5 रेशियो. 5 कार्बन हो गया, 1 अमीनो ग्रुप हो गया. यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, 2 अमीनो ग्रुप हो गया और कार्बन 5 है ना, इसकी रेशियो ज्यादा हो गई. फाइन, कहने का मतलब नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है अमाइड के केस में, बस यही समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ fixed nitrogen through xylem. याद करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जरूरी नहीं है कि xylem के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक के फॉर्म में भी हो सकता है. सी, यहाँ पे फिक्स्ड नाइट्रोजन जाइलम में फ्लो होगा बाय कन्वर्टिंग इनटू एमाइड और अमाइनो एसिड. ठीक है, उस चीज को यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं. तो जाइलम वेसल ठीक है इन द फॉर्म ऑफ अमाइड. Amide or amino acid. Fine. कुछ डाटा दे रहा हूँ. In case of temperate legume, टेम्परेट जोन में रहने वाला लाइक मटर, क्लोवर, ठीक ना, नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अमाइड फॉर्म. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. फाइन, इन केस ऑफ ट्रॉपिकल लेग्यूम, ठीक है, अमाइड के साथ साथ यूराइड्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की कैरी करी जाती है। इन ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक लेग्यूम, beside amide यूराइड्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की कैरी करी जाती है। यूराइड्स का क्या कहेंगे, रेशियो और ज्यादा हाई होता है। नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आता है। और प्लांट्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोयाबीन that is glycine max, peanut important है, फाइन। यूराइड्स का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 1। यूराइड्स हैज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 2:2 इट इज 1, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसएमिनेशन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या फिर फेट ऑफ अमोनिया बाय ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। ट्रांसएमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसएमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, मीनिंग transfer of amino group, fine। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या होगा। अमाइनो ग्रुप फ्रॉम 1 अमाइनो एसिड टू 1 अमाइनो एसिड टू अ कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप याद करेंगे, कीटो ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसके पास टेंडेंसी थी अमोनिया को एक्सेप्ट करने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप अमोनिया एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कहाँ से, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अमीनो एसिड से, फाइन। तो देखते हैं, जैसे कि एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, AMINO, ये हो गया अमाइनो एसिड, बगल में हम रख देते हैं कीटो एसिड, कीटो एसिड रखते हैं, फाइन। तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, दिस अमीनो एसिड विल ट्रांसफर इट्स अमोनिया, ठीक है, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, जिसके चलते ये कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस अमीनो एसिड जो पहले था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखेंगे अमीनो एसिड से क्या निकला, अमीनो ग्रुप निकला, है ना, किसके साथ चला गया, कीटो एसिड के साथ चला गया, फाइन। और ये कीटो एसिड बना लिया एक प्रकार का अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड था वो फिर से क्या बोलेंगे, खाली हो गया, ठीक ना, खाली होके फिर से ये कीटो एसिड बन गया, फाइन। सर फायदा क्या हुआ, ठीक है, फायदा ये हुआ कि इस केस में अमीनो एसिड हमेशा ग्लूटामिक एसिड ही रहता है और स्पार्टिक एसिड ही रहता है ना, ओके। और ये कीटो ग्रुप अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि अन्य अमीनो एसिड होते हैं, जैसे ग्लाइसिन हो जाएगा, जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे, है ना, वो सब अमीनो एसिड बनेंगे, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। रिडक्टिव वाले प्रोसेस से 2 ही अमीनो एसिड बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड। चलिए यहाँ पे हम रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। ग्लूटामेट आयन के फॉर्म में हम कर दिए इसको, फाइन। इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम एक कीटो एसिड को। कीटो एसिड के बारे में जानते ही हैं आप लोग, इस तरीके से कीटो एसिड होता है ना, कीटो एसिड। और यहाँ पे जो कीटो एसिड हमने लिया है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन, फाइन। ट्रांसएमिनेज होगा यहाँ पे रिएक्शन, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा और जो एंजाइम लगेगा दैट इज ट्रांसएमिनेज। फाइन। और जो प्रोडक्ट्स बनने हैं यहाँ पे, ओके, इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा आपका, देखेंगे ये जो चीज था ये कन्वर्ट हो गया किस में, कीटो एसिड में। और ये जो चीज था ये कन्वर्ट हो गया आपका ठीक अमीनो एसिड में। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, देखेंगे यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कौन सा अमीनो एसिड बना था, स्पार्टिक एसिड बना था, स्पार्टिक एसिड बना था। तो यहाँ पे बना ये हो गया आपका स्पार्टेट। स्पार्टेट आयन के फॉर्म में रहेगा तो 8 लिखेंगे, आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको लिखेंगे स्पार्टिक एसिड, फाइन। सो आप लोग दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं ग्लूटामिक एसिड के साथ। रिवर्स भी तो हो सकता है। कौन सा रिवर्स? रिवर्स मींस फिर से ग्लूटामिक एसिड बन सकता है, कंडीशन यदि अलाउ करेगा तो बन सकता है। ग्लूटामिक एसिड, फाइन। अच्छा, तो हम बता तो दिए हैं ग्लूटामिक एसिड के साथ, ऊपर तो है ही है, सब बना के कोई फायदा नहीं है। दैट विल डू। कीटो एसिड है ये, और कीटो एसिड का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। आगे बढ़े? यस सर। ओके, फाइन। तो ये हो गया फेट ऑफ अमोनिया। ओके ओके ओके, चलो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन हो गया, एमिनो एसिड बना। अब एमिनो एसिड क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा। एमिनो एसिड विल ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, फाइन, ठीक है। ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना है। and this protein is available at plant and animals. Plant consume करेगा, हम plant को consume करेंगे, fine, तो हमारे अंदर भी ये protein आ जाएगा. This protein reaches plant and from plant reaches to animals. Fine, समझे? चलिए अब एनिमल्स या प्लांट का डिग्रेडेशन होगा तब क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अमोनिफिकेशन में. अमोनिफिकेशन, ठीक है, इट इज द कन्वर्शन ऑफ protein, amino acid into ammonia. Fine. ठीक है, उसके बाद होता है डीएमिनेशन रिएक्शन या फिर बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन. उसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, here the ammonia is converted back into atmospheric nitrogen. फाइन, और इसको इस चीज को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया. एंड दिस इज डन बाय थायोबैसिलस एंड सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस. ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है. Fine. चलिए हो गया. आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हर्बीवोर्स करते हैं. वो herbivores 100% नहीं होते हैं. They are partial herbivores and they are herbivores for certain elements, है ना, खास करके वो एलिमेंट होता है नाइट्रोजन. तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे को खाएंगे या फिर किसी एनिमल्स को खाएंगे टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड. इसका नाम सुने, कसकटा नाम सुने हो? यस सर, थ्रेड जैसा होता है। इट इज स्टेम पैरासाइट। देखे हो ना, ट्रेन में सफर किए हो तो देखे होंगे, जंगल में पीला कलर का होता है। Rafflesia, it is root parasite. सेमी पैरासाइट भी होता है, मिस्टल्टो, इट्स ए सेमी पैरासाइट, वो मैं नहीं बताने वाला हूं। कार्निवोर इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरा या फिर इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो किल कर देंगे, जैसे कि निफेंथिस, पिक्चर प्लांट जिसको कहते हैं। डेविल्स बूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये संपूर्ण चैप्टर खत्म होता है। ये मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, देखेंगे, कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे। सर, डेविल्स वुड पिचर प्लांट का ही दूसरा नाम है ना? और कुछ पूछना है पूछो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर? यदि नहीं है तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सर जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सारा प्लांट यूटिलाइज कर लेता है या फिर कुछ रह ही जाता है? रहने का मतलब क्या है? तो सॉइल में रह जाता है. ओ हाँ बोल सकते हैं. That you can say कुछ अमाउंट में रह जाएगा. क्रॉप रोटेशन करते हैं ना हम लोग. हाँ क्रॉप रोटेशन ठीक है, लॉजिक भी कनेक्ट कर सकते हैं, नो इशू है ना. सोइल में जो फिक्स हुआ है तो 100% थोड़ी ना प्लांट एब्जॉर्व कर लेगा, है ना. किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% थोड़ी होती है. प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, अमोनिया जो बना है ना, वो तुरंत अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और तुरंत वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. वो यूटिलाइज होगा 100%. सर ये तो नोड्यूल्स में होता है ना सर, तो ये तो फिर सॉइल में तो नहीं हुआ. कौन हम लोग जो लेग्यूमिनस प्लांट्स का पढ़ रहे हैं अमोनिया ना, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है रूट के अंदर भी रूट के बाहर भी. फाइन, रूट के अंदर हो गया तो तुरंत वो ट्रांसएमिनेशन या फिर रिडक्टिव एमिनेशन के चलते नाइट्रो अमीनो एसिड बन जाएगा. यदि सोइल में हो रहा है तो उसको NO3- में कन्वर्ट करना होगा. अब NO3- रूट के अंदर जाएगा, फिर से NO3- को NH3 में कन्वर्ट करना होता है. यही जानना चाह रही थी ना. सर लेग्यूम के केस में तो सब तो अंदर ही फिक्स होता है ना. हाँ तो फिर सॉइल में कैसे रह जाता है? फिर हम लोग क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? अरे यार तो इस दुनिया में सिर्फ लेग्यूम प्लांट ही नहीं है ना, दूसरा भी तो प्लांट है. नॉन लेग्यूम प्लांट है, राइस है, पेडी है, इनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए ना. तो इनके अंदर नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा? NO3- के फॉर्म में पहुंचेगा, है ना. क्रॉप रोटेशन रिलेटेड है तुम्हारा, क्या बोलेंगे, टारगेट पेस्ट से लेके, है ना. और कुछ कुछ ऐसे सिंबायोटिक एसोसिएशन होते हैं पौधे के अंदर जो ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है. फॉर एग्जाम्पल आवलोसिरा है ना, ये आवरोसिला पेड़ी के खेत में, धान के खेत में ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है, ज्यादा. अब हो सकता है जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है वो नाइट्रोजन धान ने एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ खेत में रह गए. तो उस अमोनिया को, उस NO3- को दूसरा सीजन में ग्रो करने वाला पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना. एक समय में कंडीशन ऐसा था कि आवलोसिरा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे और ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स किए, लेकिन वो एसिम्बायोटिक था. फाइन, रूट के अंदर जाके नहीं किए, सोइल के अंदर किए. तो जितना लेना था जद धान ने ले लिया, बाकी ऐसे बचा हुआ है, पड़ा हुआ है वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ओके फाइन। ओके इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कैसे गैसेस को हम लोग इंटेक करते हैं, कैसे वो गैसेस सेल्स तक पहुंचता है, फाइन, और कैसे वहां से इम्प्योर गैस, मतलब सेल से इम्प्योर गैस ब्लड में आता है, ब्लड से होते हुए लंग्स में आता है और लंग्स से बाहर निकल जाता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, फाइन। बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग का फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पे फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दूसरे एनिमल्स के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। सो पढ़ेंगे जरा डेफिनेशन क्या है। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, फाइन। किसके मदद से? मसल्स के मदद से एक्टिव प्रोसेस होता है। पढ़ेंगे सिर्फ, फिर बाद में टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ेंगे। Yes sir, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में देखेंगे जरा। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे जरा। पल्मोनरी ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, कहने का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन द बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कहने का मतलब होगा गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड एल्वियोली, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन, कहने का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज। और सेलुलर रेस्पिरेशन, कहने का मतलब होगा सेल के अंदर गैस का एक्सचेंज होना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है पल्मोनरी वेंटिलेशन and the exchange of gases between the cell and the blood capillary, ये fine, ये दोनों देखना है हमें। क्लियर है? चलिए, types of breathing on the basis of organs involved. Direct breathing, ठीक है। breathing और respiration एक ही term है। हाँ बोल सकते हैं, breathing respiration भी, लेकिन किस प्रकार का respiration? पल्मोनरी है, एक्सटर्नल है, फाइन। सिनोनिम्स है कुछ हद तक। डायरेक्ट ब्रीथिंग कहने का मतलब तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता था ना यहाँ पे। अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, और ब्रेकडाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है? इन ऑर्डर टू ब्रेक द फूड देयर इज नीड ऑफ व्हाट? ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, फाइन। ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड फिनोमेनन हो रहा है, तो इसलिए इसको रेस्पिरेशन भी कहा जा रहा है, फाइन। ओके हाँ, डायरेक्ट ब्रीदिंग कहने का मतलब होता है कि कोई स्पेशल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट ना होना, डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द सेल, फाइन। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, देखो जरा, पढ़ेंगे। ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो इसीलिए गैसेस टैक्सिंग आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गन। हाँ, एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा? 17 ना। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। सी यू हैव टू सेल्स, ठीक है, आपके पास दो सेल्स हैं, एक ये है और एक ये सेल है। फाइन, गैस को यहाँ तक पहुंचना है, गैस को यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ से बाहर भी निकलना है ना, यहाँ से बाहर भी निकलना है। सो कौन से सेल में गैसेस का एक्सचेंज आसानी से होगा, कौन सा सेल में? कम ऑन, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है DIFFUSION, डिफ्यूजन प्रोसेस है। हमने आपको दो कंडीशन, हाँ दो कंडीशन दिया है, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है डिफ्यूजन से, यही एक प्रोसेस है। फाइन, ओके, तो गैसेस का एक्सचेंज इफिशिएंटली होना है कौन सा सेल में? सो छोटे वाले सेल में, बड़ा सेल के अंदर नहीं होगा। बड़ा सेल के अंदर लेट होगा गैसेस का डिफ्यूजन, लेट होगा तो ऑर्गेनिज्म लेथार्जिक होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज लिमिटेड होता है। समझ में आया ये लॉजिक? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज क्यों लिमिटेड होता है, छोटे ही क्यों नहीं होते, है ना, वो सिंगल सेल बहुत बड़े क्यों नहीं होते हैं, है ना। ओके, रीजन यही है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डिफिकल्ट हो जाएगा यदि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा तो, है ना। ट्रक के शेप का यदि कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसके अंदर डिफ्यूजन माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज बहुत लेट से होगा, है ना। तो उतने स्लो ट्रांसपोर्टेशन रेट से ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएगा। फाइन, ओके, हाँ, इसीलिए हर सेल क्या कोशिश करता है कि हम वॉल्यूम इंक्रीज ना करें, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज ना करें, सरफेस एरिया बढ़ा दे। फाइन, सरफेस एरिया बढ़ा दे, ज्यादा फायदा होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सेल है ना, और इसी के साइज का टिश्यू है ना, टिश्यू है। सो गैसेस एक्सचेंज किसमें ज्यादा एफिशिएंटली होगा, गैसेस एक्सचेंज किसमें ज्यादा एफिशिएंटली होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड कंडीशन में? ऑब्वियसली सेकंड वाले कंडीशन में गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होगा और सेल एक्टिव होगा, इसके केस में हाई एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है। फाइन, और ये देखो डिफ्यूजन के माध्यम से कितना स्लोली आएगा यहाँ पे, है ना। इसका हम लोग वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया रेशियो देखेंगे तो कम है और यहाँ पे ज्यादा है सरफेस एरिया। फाइन, सरफेस एरिया बढ़ा तो गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंट हो जाएगा, वॉल्यूम कम है। ओके, और मान के चलो कि इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है, बट इट इज मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है ना। इसका एक्सपोज रीजन ये है, ये है, ये है, अंदर वाला रीजन एक्सपोज नहीं है, है ना। तो वहां पे गैसेस कैसे पहुंचाया जाएगा? वहां पे गैसेस पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन से, ठीक है, आर्टरीज और वेसल्स के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। ओके, चलिए, इनडायरेक्ट ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या होगा? है ना, एटमॉस्फेयर से गैस एक स्पेशल चेंबर में, स्पेशल ट्यूब में जाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर में जाएगा और उस स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू एट द साइट ऑफ एक्शन गैस पहुंचेगा। ठीक है, पढ़ो जरा इनडायरेक्ट ब्रीदिंग में, पढ़ो 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 इनडायरेक्ट ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है। है ना, सीड रिस्पायर करता है या सीड डू रिस्पायर, सीड रिस्पायर करता है तभी तो जीवित है, तभी तो वो उगता है, जर्मिनेट करता है। यदि उसको मार डालेंगे तो उगेगा ही नहीं, है ना। गरम कर दो बीज को, गरम कर दो। सर तो ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है, मतलब एग होता है, उसमें कैसे होता है रिस्पिरेशन? उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर भी रिस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट कंडीशन में हो रहा है क्योंकि लिविंग है ना, और हर लिविंग सेल के अंदर एटीपी बनता है और एटीपी बनाने के लिए रिस्पिरेशन होना जरूरी है। तो गैसेस का डिफ्यूजन, तो इसमें भी डिफ्यूजन होता होगा। और ये ऑब्वियसली सेल को क्रॉस करता है, मतलब वो जो हार्ड शेल रहता है क्रॉस कर पाता है। यदि नहीं करेगा, ऑक्सीजन लेगा ही नहीं तो मर जाएगा, फिर वो कैसे कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिज्म में। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी, है ना, और एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, एनारोबिक नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करता है? रेस्पिरेटरी सरफेस कहने का मतलब ये रहा बाहर का एयर, है ना, और इस सरफेस को पार करके अंदर की ओर जा रहे हैं, इनसाइड। एक सेकंड बाद, एक मिनट हमारे, तब तक इसको पढ़ो। आपको गिव मी अ मोमेंट। ओके, कहाँ पर है हम लोग? यहाँ पर है। फाइन, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर सेल के मतलब बॉडी के अंदर जाना है ना, तो बॉडी के कौन से हिस्से से अंदर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं और सरफेस, है ना। ओके, उस सरफेस से होके सही मायने में सेल के अंदर एंटर करना है। ठीक है, एयर विल बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी। फाइन, तो वो सरफेस एक्चुअली कौन देगा? एक्सचेंज सरफेस कौन कौन प्रदान करता है? गिल्स करता है ना। गिल्स क्या करता है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पहुंचा देता है ना। ओके, बक्को फेरेंजियल लाइनिंग ठीक है, जो बकल कैविटीज होते हैं उसके लाइनिंग्स होते हैं वहां से भी गैसेस अंदर चले जाते हैं ब्लड के अंदर। ट्रैकियल, बुक लंग्स, ओके, हमारा लंग्स, हमारा जो एल्वियोली है, फाइन, ये रहा हमारा एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर क्रॉस करके चला जाता है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर, फाइन, ब्लड कैपिलरी के अंदर जाना है, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग लंग्स क्यों बोलते हैं? बुक लंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस होता है ना, गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस होता है वो बुक का तरह होता है, इस तरीके से पन्ने की तरह होता है, फाइन लेयर्स होते हैं, इसलिए उसको बुक लंग्स कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे और रेस्पिरेटरी सरफेस। जितने भी हम एग्जांपल दिए हैं, गिल्स, बकल, बकोफरेंजियल लाइनिंग, ट्रेकिया या स्पैरिकल्स, बुक लंग्स, फाइन, पल्मोनरी ऑर्गन और लंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी सरफेस है। दे ऑल आर व्हाट? रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ पे होगा ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी मीडियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी मीडियम कहने का मतलब कहां से ये एयर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, फाइन। सो एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए पानी हो जाएगा मीडियम, है ना, और हम लोग के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग, ओके, ब्लड कैन बी द मीडियम, ठीक है, एयर कैन बी द मीडियम। वेंटिलेशन रेस्पिरेशन के लिए एयर कैन बी द मीडियम और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ब्लड कैन बी द मीडियम और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वाटर कैन बी द मीडियम, फाइन। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग सांस ले रहे हैं, वेंटिलेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए मीडियम एटमोस्फियर हो गया, ये एयर ब्लड में डिजोल्व हो गया। अब सेल के लिए कौन सा मीडियम होगा ऑक्सीजन लेने के लिए? ब्लड होगा, फाइन। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए कौन सा मीडियम हो जाएगा? पानी हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व प्रेजेंट है मटेरियल्स, फाइन। सो देखते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट। फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है? 5 to 8, it is not 5 to 8, it is 5.8 milliliter per liter। सी वाटर के पास 6.4 milliliter per liter ऑक्सीजन डिजोल्व है। एयर के पास 20.95 milliliter ऑफ एयर प्रेजेंट है। फ्रेश हो गया, फ्रेश वाटर एट 5 डिग्री C, ओके, इसके पास डिजोल्व एयर है हाउ मच? 0.9 ml per liter। क्वेश्चन आप नहीं पूछता है उतना इन सभी से। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा गैसेस कौन से रास्ते से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है, फाइन। तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बना रखे हैं, देखेंगे, जहां से एयर हमारे लंग्स के अंदर विंड पाइप के थ्रू इंटर करेगा। एक बार देखें जरा डायग्राम को, देखेंगे एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स जो नाक के होल स्टार्टिंग है उसको एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, फाइन, ओके। बोनी कोंचा, रेस्पिरेटरी रीजन, वेस्टिब्यूल, ये सब पोर्शंस है, नाक के अंदर वाले पोर्शंस है। इन सभी का अलग अलग रोल होता है। कहीं पे स्मेल बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे तो कहीं पे टर्बुलेंस होना है एयर का, कहीं पे एयर की कंडीशनिंग होनी है, फाइन। देन फेरिंग्स के होते हुए एयर पहुंचता है विंड पाइप तक एंड फ्रॉम विंड पाइप एयर रीचेस द ट्रेचिया। लैरिंग्स के होते हुए ब्रांच में पहुंच जाएंगे, ब्रांच के बाद फिर अल्टीमेटली पहुंचेंगे एल्वियोली तक जो कि लंग्स का पार्ट है। सो एक्सटर्नल नेयर्स वो एंट्री है जहां से नॉस्ट्रिल के अंदर एयर पहुंचता है, फाइन। वेस्टिब्यूल हेयरी रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं थोड़ा सा फुला हुआ रहता है ना, उसके थोड़ा सा अंदर पोर्शन को हम लोग वेस्टिबुल कहेंगे। हेरी रीजन होता है, म्यूकस रहता है ना। ये इसका मेन प्रेजेंट होने का कारण है कि ये 10 पार्टिकल्स को ट्रैप कर ले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे, फाइन। और रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन भी हमारे नाक के अंदर ही प्रेजेंट। वो रीजन है जहां पे हवा को कंडीशनिंग करी जाती है, उसके अंदर ऑप्टिमम वाटर का एडिशन करा जाता है, एक्सेस वाटर है तो निकाला जाता है, कम पानी है तो पानी एड अप किया जाता है, फाइन। टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, ओके। ये हो गया रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस टर्बुलेंस टू द एयर। टर्बुलेंस कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे एयर को, मतलब शेक किया जाएगा, उथल पुथल करा जाता है एयर को, फाइन, ताकि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सब भी ट्रैप हो जाए, फाइन। अच्छा सा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाए, फाइन। द रेस्पिरेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ 3 कॉन्चा, सुपीरियर कॉन्चा, मीडियन कॉन्चा, इन्फीरियर कॉन्चा। बस नाम याद रख, कॉन्चा इज द रीजन प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल, फाइन। क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, फाइन। और नसल कैविटी, जो नसल पैसेज होता है वो खत्म होता है इंटरनल लेयर्स में, मतलब इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज, उसको हम लोग इंटरनल लेयर्स कहेंगे, फाइन। उसके बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्चुअली में जंक्शन है जहाँ पे माउथ का बगल कैविटी का एयर को ह्यूमिडिफाइड करना क्यों जरूरी है? हाँ, एयर को ह्यूमिडिफाई करना क्यों जरूरी है? हाँ, ओके, ह्यूमिडिफिकेशन इसलिए करेंगे ताकि एल्वियोली को डैमेज ना करे, अंदर के स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना करे। यदि गर्म एयर जाएगा, हमेशा गर्म एयर जाएगा ट्रेचिया के थ्रू, ट्रेचिया डिस्टर्ब हो जाएगा, फाइन। ट्रेचिया के सेल्स किल्ड हो जाएंगे, ओके। यदि ज्यादा ठंडा चला जाएगा, फाइन, तो उस केस में भी जकड़ सकता है, ट्रेचिया जकड़ सकता है, उसके एंजाइम्स सीज हो जाएंगे, फाइन। तो इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को बाहर की तरफ ही, जितना हो सके उतना, है ना। और सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है बाहर से मटेरियल को अपने बॉडी के अनुसार बनाने के लिए, फाइन, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। हमारा बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे होता है, बाहर का कंडीशन कैसा भी हो, फाइन। इसलिए मना किया जाता है कि ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म का सेवन ना करें, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड टेम्परेचर को शरीर में एंटर करने के बाद बैलेंस कंडीशन में लाना होता है एनर्जी खर्च करके। ज्यादा ठंडा है तो गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म है तो ठंडा करना पड़ेगा, है ना। तो इन्हीं सभी में एनर्जी खर्च होता है। ऐसा थोड़ी होता है आप 80 डिग्री सेल्सियस का चाय पी रहे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए, नहीं, इट रिमेन्स एट 37 डिग्री सी। तो उस चीज को अचीव करने के लिए एनर्जी का खर्च करना होता है। फाइन। फेरिंग्स को हमने 3 ग्रुप में बांट रखा है। नसोफेरिंग्स कहने का मतलब ऊपर पोर्शन वाला फेरिंग, जहां से इंटरनल लेयर खत्म हो रखा है। ओरोफेरिंग्स, ये माउथ वाला पोर्शन वाला फेरिंग्स है। एंड हाइपोफेरिंग्स मतलब लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, है ना, जहां से विंड पाइप फूड पाइप अलग होने हैं, फाइन। उसके बाद आता है लैरिंक्स रीजन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रखे हैं विंड पाइप का, ठीक है, या फिर लैरिंक्स बोलिए। फाइन विंड पाइप बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर ट्रेचिया और लैरिंक्स दोनों पोर्शन दिखेंगे यहाँ पे, ओके। डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेबलिंग के लिए भी नहीं पूछेगा, बस आप समझिए ऊपर की ओर हम एक ढक्कन का तरह स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। फाइन, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस रीजन को कवर करता है। ग्लॉटिस रीजन विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट रहता है जहां से एयर इंटर करता है। एयर इंटर करने वाला पाइप और भोजन इंटर करने वाला पाइप दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, ये फूड पाइप है ना, और ये है विंड पाइप। फूड पाइप और विंड पाइप। फाइन, ओके, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बंद होगा जब यहाँ से फूड पास होना है, और जब यहाँ से एयर पास होना होता है तो ये फ्लैप खुला हुआ रहेगा। फाइन, आज यहीं पे हम रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टुडे इज 28। फाइन, लास्ट में हम भेज देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए साइन ऑफ कर रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? इफ नो देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ओके।